ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, आप चैतन्य महाप्रभु जी की दया के कारण जिस आश्रम में हो उस आश्रम में रहते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते। कई बार लोगों के मन में भय रहता है क्या कि अगर हम संतों की संगत प्राप्त करेंगे, अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करेंगे तो हमें उनके समान संसार त्यागना पड़ेगा और फिर ये तो बहुत ही कठिन मार्ग है, दूर से कठिन दिखता है पर एक बार आप निकट आ जाओ तो सरल बन जाता है। दूर से जब आप पहली बार सुनते हो कि आपने इतनी माला का जाप करना है, चार नियम का पालन करना है वगैरह, ये विचार आता है कि इन चीजों के बगैर हम रहेंगे कैसे। बचपन से 10 कप चाय पीते आए हो, बचपन से ये सब चीजें करते आए हो, तो आपको जब उपदेश दिया जाता है इन चीजों से बचना चाहिए तो आपका मन कहता है हम कैसे बचे इन चीजों से, विचार तो आता है। तो जब आप प्रयास करते हो भगवान की शिक्षा का पालन करने के लिए, तो भगवान जो आपके हृदय में विराजमान है ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि भगवान हर व्यक्ति हर प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। और परमात्मा के रूप में भगवान क्या कर रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सानी विष्टो अतः स्मृति ज्ञानम अपहानम च अपहानम स्मृति। वो हमें स्मृति की शक्ति भी दे रहे हैं और अपहानम उनको भूलने की शक्ति भी दे रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान को भूलना चाहे तो भगवान ने ऐसी बुद्धि देते हैं कि वो बड़ी आसानी से भूल जाए, और जो उनका स्मरण करना चाहे तो उनको ऐसी बुद्धि देते हैं कि वो स्मरण कर पाए। जो स्मरण करना चाहे उनको तो बुद्धि देते हैं कि वो भक्तों के संग में आ जाए, किसी न किसी प्रकार से उनका परिचय हो जाए भगवद गीता के असली उपदेश के साथ। और जो भूलना चाहे भगवान को उनको भगवान वैसी संगत में भेज देते हैं जहाँ की केवल सबकी दिलचस्पी क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इत्यादि कार्यों में है काम बस। तो हृदय में क्योंकि भगवान विराजमान है वो हम सबकी इच्छाओं को समझ लेते हैं। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आप एक जगह एक स्थान में ही रह सकते हो पर भगवान एक ही समय हर स्थान में रह सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे उन्होंने कोई साधारण लीला थोड़ी प्रकट की, उन्होंने दिव्य लीला प्रकट की क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्य में अनेक व्यक्ति ये दावा करेंगे क्या कि हम भगवान के अवतार हैं, तो उनकी हम परीक्षा लेंगे कैसे, एक सरल प्रश्न पूछकर, बस लंबा प्रश्न नहीं। आप इंडियन में बैठते हो तो आपको लंबा क्वेश्चनेयर वगैरह मिलता है, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, सरल एक प्रश्न, आप क्या भगवान की दिव्य लीला जो उन्होंने प्रकट की उसकी तुलना कर सकते हो? परसों हम गोवर्धन का परिक्रम कर रहे थे मोटर में, हाँ तो मोटर में ही परिक्रम करते करते हमें लग गया कितना समय, कोई 40 मिनट 50 मिनट मोटर में, पैदल जाओ तो 6 घंटे 7 घंटे 22 किलोमीटर। पर भगवान ने उठाया उसे बड़ी सरलता के साथ, बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून की शक्ति पर। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया इंद्र देवता बहुत ही क्रोधित थे। देवता देवियों में कई बार क्रोध आ जाता है, भगवान में कभी किसी प्रकार का दोष प्रकट नहीं होता परम भगवान श्री कृष्ण में, कि कृष्ण भगवान कोई साधारण पुरुष नहीं है पर परम भगवान। तो उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को हमें बड़े सावधानी के साथ समझना चाहिए, और ये असली ज्ञान है। और ये ज्ञान जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है, ये ज्ञान के द्वारा ही भौतिक कर्मों के समस्त फलों को हम जला सकते हैं।